Hello students, welcome again. Let's move further in our studies and do our poem number 6, Father Returning Home, written by Dilip Chitre. Dilip Chitre, Indian poet, jivein ke naam to hi pata chalda hai, unhone ye poem likhi hai, Father Returning Home, ghar wapas partte hue pita. So, introduction to this poem, let's read first. Man's estrangement from the man-made world is the theme of this poem. So, this poem the theme ki hai, kis vishay de bare vich e poem jo hai, o likhi gayi hai, ke manukh di, manukh dwara banaye gaye is duniya, sansar, nalo, ikalta, vakrewa. इस विषय के बारे में एक कविता लिखी गई है. इन दिस वर्ल्ड फुल ऑफ हरी एंड वरी नोबडी हैज़ द टाइम टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स स्पेशली द ओल्ड सीनियर सिटीजन्स इन द सोसाइटी. सो इस काली ते चिंतावां नाल भरे हुए संसार दे विच किसी को इन्ना टाइम नहीं है, कोई इन्नी दिलचस्पी नहीं लैंदा दूसरियां दियां जिंदगियां दे विच, खास करके बुजुर्ग जिहड़े सीनियर सिटीजनज़ ने समाज के उन्हां दे वल कोई खास ध्यान नहीं दिता जाता. इस पोएम का यह सेंट्रल आइडिया भी बनता बच्चो. दिस पोएम हैज़ बिन टेकन फ्रॉम दिलिप चित्रेज कलैक्शन ऑफ पोएम्स ट्रैवलिंग इन अ केज. ये कविता दिलिप चित्रे की बुक जिहदा नाम है ट्रैवलिंग इन द केज, कवितावान की बुक है, उहदे विच्चों एक लई गई पोएम है. इट गिव्स अस द पिक्चर ऑफ सैड ओल्ड मैन हू ट्रैवल्स टू वर्क बाय लोकल ट्रेन एवरी डे इन मुंबई. सो इस कविता दे विच एक उदास जहे बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीर खिंचन की कोशिश की है, जिहड़ा कि मुंबई शहर की एक लोकल ट्रेन दे राही हर रोज़ सफ़र करता है ते कम ते जाता है. ही डज नॉट फील कंफर्टेबल और एट होम इन हिज एनवायरमेंट. वो व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर दे विच अपने आले दुआले दे विच आराम महसूस नहीं करता. ही इज लोनली इवन इन अ क्राउड, ते भीड़ विच भी वो अपने आप नूं इकल्ला महसूस करता है. हिज आइसोलेशन इज सीन इन हिज इनएबिलिटी टू हैव डायलॉग विद हिज फैमिली और फ्रेंड्स. सो उसकी ये इकलता, इकल्लापन इस गल तो देखा जा सकता है कि वह अपने परिवारक मैंबर या दोस्त मित्र नाल कभी गल करता नहीं देखा गया. ही फील्स अनईजी इन हिज प्रेजेंट, अपने वर्तमान समय नालों खुश नहीं है, बेआराम है. So the old man enters into the distant world of the past. इस करके वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने बीत चुके समय की दुनिया, दूर दरेडे की दुनिया विच अपने ख्यालों के नाल चला जाता है, और इन टू द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन ड्रीम्स जां अपने सुपनों की दुनिया के विच पहुँच जाता है. दिस पोएम डील्स विद द थीम ऑफ मॉडर्न मैनस अलाइनेशन इन अ कंपलैक्स अर्बन वर्ल्ड. सो ये कविता अजोके मनुख की इस गुंजलदार शहरी दुनिया तो वखरेवें दी कविता है, अलग थलग होने दी कविता है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम. माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, सुबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज. कवि दिलिप चित्रे जी अपने पिता जी का हवाला देंदे हुए, ही इज़ नॉट रियली हिज फादर बट अपने पिता जी का हवाला देंदे हुए वो किसी भी एक बुजुर्ग व्यक्ति की गल कर रहे हैं कि कहते हैं कि मेरे पिता जी शाम को जड़ी लेट ट्रेन आती है वो राही सफ़र करते हैं. स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, तो येलो लाइट वो जड़े यात्रा करने वाले लोग ने, इधर उधर जाने वाले सफ़र करने वाले कंप्यूटर्स उन्होंने कहते हैं, उन्होंने खड़े है चुप चाप खड़े है, साइलेंट साइलेंट कंप्यूटर्स भी साइलेंट ने, सारे यात्री साइलेंट ने, तो मेरे पिता जी उन्होंने खड़े हैं. सुबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज. सो वो ट्रेन दे विच खड़े सफ़र कर रहे हैं, नाल होर व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, सारे चुप चाप खड़े हैं, तो उन्हां दियां अखां बाहर नूं देखदियां होईयां भी जिवें कुछ ना देख रही हो, तां उन्हां अखां दे सामने उहदी मुंबई शहर दे जिहड़े
इलाके ने सुबर्ब्स ने गुजर जाते हैं। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्ट्रेन्ड विद मड। जेडे मेरे पिता जी ने शर्ट ते पैंट पाई हुई है वह कुछ भिजे हुए हैं, तो जड़ा उपरों की ब्लैक रेनकोट पाया हुआ है वो उपर भी चिक्कड़ दे दाग धब्बे हैं। एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। तो उन्होंने जोड़ा बैग चुकया हुआ जिद किताबा भरिया हुई हैं वह भी उन्होंने मोढ़े तो जिमें डिगन पै रहा है। हिज आईज डिम्ड बाय एज, तो उम्र ज़्यादा हो जाने करके उन्हों अखा भी जिमें डिम हो गई हो। डिम होना मतलब रोशनी का घट हो जाना, बुढ़ापे के करके उन्हों अखा की रोशनी भी घट हो चुकी है। फेड होम वर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। सो ये जी बरसात की रुत्त है भिजी हुई सिली सलाबे वाली, ह्यूमिड का मतलब सिली जिद बहुत नमी होवे, मानसून की रात है, अपने घर वालों जा रहे हैं। नाउ आई कैन सी हिम गैटिंग ऑफ द ट्रेन। हूँ कवि लिख रहे हैं कि मैं देख सकता कि वह रेलगड्डी के उतर रहे हैं। गैटिंग ऑफ ओ डबल एफ का मतलब उतरना, लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लोंग सेंटेंस। इस तरह वो ट्रेन के उतर रहे हैं जिमें कि किसी एक लंबे सारे सेंटेंस वाक के कोई एक वर्ड जड़ा वह निकल गया हो, लाइक अ वर्ड। सो इत्थे बेटे तुसी नाल नाल भी ध्यान देना है फिगर ऑफ स्पीच केड़ी यूज़ की थी इस लाइन दे विच, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लोंग सेंटेंस, जदों किसी भी चीज़ की तुलना लाइक शब्द या एज शब्द लगा के की होंगी है तो उसनों असी सिमिली कहने हैं। सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली, कि एक वो शब्द जिवें जिहड़ा कि किसी एक लंबे सारे सेंटेंस विचों छुट गया होवे, उतर पिछे रह गया होवे या हट गया होवे, उस शब्द वांग उस एक वर्ड वांग मेरे पिता जी ट्रेन तो उतरे। ही हरिज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। सो ट्रेन तो उतरन तो बाद वो किधर नू जांदे है, काली नाल, हरिज का मतलब काली नाल, काली दे नाल वह ग्रे रंग का जिहड़ा प्लेटफॉर्म तुरन वास्ते बनाया हुंदा है उहदे उत्ते तुर पैंदे हन। ग्रे रंग का ही हुंदा ना प्लस्तर किया हुआ प्लेटफॉर्म, तो उहदे उत्ते वह काली नाल तुर पैंदे हन। Crosses the railway line, फिर वो railway line नू cross करते हैं। Enters the lane, अपनी गली दे विच दाखल होंदे हैं। Lane दा मतलब गली या सड़क। His chappels are sticky with mud, उन्हां दियां चप्पलां चिक्कड़ दे नाल sticky होईयां होईयां हैं, पूरियां लिबड़ियां होईयां हैं। But he hurries onward, लेकिन फिर भी वो काली नाल अगे वधदे हैं। Look, hurries, present indefinite tense वरत्या होया है इत्थे। सो इन जो असी यदि ट्रांसलेशन करांगे पंजाबी दे विच तां सेंटेंस दे एंड विच दा है दी है वगैरह लगेगा, इस करके इस गल दा ध्यान रखना है। बट ही हरिज ऑनवर्ड, कि वह काली नाल अगे वधदे हन। होम अगेन, दोबारा वह घर दे विच उसे घर विच आउंदे हन। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ते मैं देखदा हाँ कि वह एक कमज़ोर घट पत्ती वाली चाह जी है, वीक टी का मतलब घट पत्ती वाली जी स्ट्रोंग ना हो, चाह पीद्या हुए मैं उन्होंने देखता हाँ। ईटिंग अ स्टेल चपाती, एक बेही पुरानी बासी रोटी जी है वह खाद्या हुआ देखता। रीडिंग अ बुक, तो फिर वह किताब पढ़ते हैं। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटैम्पलेट मैनस एसट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। सो उस तो बाद टॉयलेट जाते हैं, तो उत्थे बैठ के उत्थे जा के वह इंसान दी इस इंसान द्वारा बनाए गए संसार दे विच जड़ी इकलता, एसट्रेंजमेंट का मतलब इकलता, वक्रेवा, उस दे बारे सोचते हैं। कमिंग आउट ही ट्रैम्बल्स एट द सिंक, तो जदों बाहर आते हैं तो सिंक ते हाथ धोंदे हुए उन्होंने हाथ कंबदे हैं, वह कंब रहे हैं। मे बी सोचते हुए कि किवें इस इंसाना दे बनाए हुई इस दुनिया दे विच इंसान इकला हो जाता है, ये सारिया सोचा सोचते हुए वो बाहर आते हैं तो सिंक ते हाथ धोते हुए कंब रहे हैं, कंबते हैं। द कोल्ड वॉटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, ठंडा पानी उन्होंने ब्राउन हाथों पर पैंता है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन द रिस्ट ऑन हिज रिस्ट्स, हाथ धोंदे हुए कुछ जड़े पानी दे छिट्टे है ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स छिट्टे उन्हां दे कलाइयां दे जड़े
ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਸਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਡ ਜਾਂ ਮੋਰੋਸ, ਉਦਾਸ, ਉਦਾਸ ਬੱਚੇ। ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਓ ਗੋ ਟੂ ਸਲੀਪ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਟੈਟਿਕ ਔਨ ਦ ਰੇਡੀਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਆਫ ਹਿਜ਼ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਸੁਪਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਨੋਮੈਡਸ ਐਂਟਰਿੰਗ ਸਬਕੋਨਟੀਨੈਂਟ ਥਰੂ ਅ ਨੈਰੋ ਪਾਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਲੋਕ, ਨੋਮੈਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬ ਕੋਂਟੀਨੈਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗਲੋਸਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮਿਊਟਰਸ, ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਟਰੈਵਲਸ ਇਨ ਟੂ ਸਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ ਈਚ ਡੇ ਯੂਜਲੀ ਫਰੋਮ ਕੁਆਇਟ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਕਿ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮਿਊਟਰਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼। ਸੁਬਰਬਸ, ਐਨ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਲਿਵ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੁਬਰਬਸ, ਸੌਗੀ, ਵੈਟ ਐਂਡ ਸੋਫਟ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਨਰਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ। ਟ੍ਰੈਂਬਲ, ਕੰਬਣਾ, ਟੂ ਸ਼ੇਕ ਇਨ ਅ ਵੇ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਸਟੈਟਿਕ, ਨੋਇਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਫੈਕਟਸ ਦੈਟ ਡਿਸਟਰਬ ਦ ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਿਗਨਲਸ। ਨੋਮੈਡਸ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੈਟ ਮੂਵਸ ਵਿਦ ਇਟਸ ਐਨੀਮਲ ਫਰੋਮ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਗਿਵ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਔਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ, ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਔਨ ਯੂਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਲਰਨ ਦਿਸ। Next is, read the lines given below and answer the questions that follow. Name the poet. The name of the poet is Dilip Chitre. Which line in the poem describes father's irrelevance to the train? Ke poem de vich kedi line is gal nu darsa rahi hai ke pita di train de naalo kis tarah vilakhanta, duri kis tarah dikha rahi hai, duri kis tarah dikha rahi hai, like a word dropped from a long sentence. This is the line in the poem which describes father's irrelevance to the train. Write two reasons for father's eyes being dimmed. Pita ji diyan akhaan di roshni de dim hon de do reasons likho. Do reasons ki ho sakde hai students? Ek ta due to old age and secondly due to humid monsoon night. These are the two reasons, by age and humid monsoon night. These are the two reasons of father's eyes being dimmed. Where does father go after getting off the train? Pita ji train to utran to baad kithe jande han? He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line and enters the lane. Here is the next stanza. Explain the behavior of the old man's children towards him. K
उस बुजुर्ग व्यक्ति दे बच्चों का उन्होंने प्रति की रवैया है. द ओल्ड मैनस चिल्ड्रन ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम. वट डज ही डू आफ्टर बीइंग रिटन ऑफ बाय हिज चिल्ड्रन. कि जो बच्चे वो वाल नहीं देखते ध्यान देंगे तो वह की करते हैं. ही गो टू स्लीप लिसनिंग टू स्टैटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग ऑफ हिज इंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन. हाउ कैन यू से दैट हिज ड्रीम्स मिरर दैट द ओल्ड मैन इज ईदर थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट और हिज फ्यूचर. कि किस तरह तुम ये कह सकते हो कि वह अपने पिछले समय बारे या फिर फ्यूचर बारे गल कर रहे हैं. इनसेस्टर्स थिंकिंग ड्रीमिंग ऑफ हिज इनसेस्टर्स मतलब वो अपने पास्ट बारे सोच रहे हैं एंड ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब वो अपने फ्यूचर बारे सोच रहे हैं. अपने जिहड़ा आने वाला समा है जां प्रेजेंट समा चल रहा है उहदे बारे सोच रहे हैं. थिंकिंग ऑफ नोमैड्स तो पता लगता है कि वह फ्यूचर दे विच किस तरह होने वाला है. सो स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस poem and do practice of these stanzas and learn the central idea. Take care. Thank you.